मतलब मुझे ये समझ में आ गया अचानक नहीं कि रणतीज सही में गलत था और मेरे ताऊजी भी गलत थे और सबने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया, लेकिन ये अपने परिवार से इतना प्यार करता था कि उनकी बातों में आता ही चला गया और ये बोलती बोलती रह गई कि नहीं ये गलत है, पर मैंने कभी माना नहीं। तो अभी मान चुका है, रणतीज को घर से बाहर निकाल चुका है, ये आता है हाँ माफी मांगने की, अब मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, बस तुम मुझे अपना साथ दे दो। तो दैट इज व्हाट शी इज डिनाइंग राइट नाउ। ऐसा सच्चाई तो कंप्लीट है, पूरा है, बिकॉज वो कहती भी है दैट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि आपको अब सब पता चल चुका है, बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अनुष्का टू अगेन लव यू द सेम वे जितना उसने पहले प्यार किया है। सो वो अनुष्का का टेक है विच अवे गॉट एन एग्रीमेंट, बट एनीवे तो अनुष्का और युवराज से भी जब भी वो इमोशनल हाँ है, एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग हाउ बोथ द कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू शो देयर लव बट एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर लव, लाइक अनुष्का इज ट्राइंग टू हाइड दैट। पहले मैं छुपा रहा था, तुम छुपा रहे हो ऐसा। तो इस बीच मल्हारी ने एक और एक अपना ड्रामा शुरू कर दिया है क्रांति को बुलाकर, क्या है वो ड्रामा? मल्हारी गांव वालों के साथ मिलकर अनुष्का को चुड़ैल साबित करना चाहती है ताकि फिर मुझे गांव से निकाला जाए धक्के मार के पत्थर फेंक कर, एंड जब ये सब हो रहा होगा तब युवराज आएगा मुझे बचाने, एंड दैट्स हाउ इट्स गोना बी। थैंक यू।